हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन होगा एनआईएस स्टूडेंट्स के साथ, एनआईएस बोर्ड के बच्चों के साथ जिन्होंने 10th या 12th में पेपर देने थे जून 2021 के अंदर। सो गाइस, अभी 2-3 दिन से जैसे कि बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर यू नो बवाल सा मचा पड़ा है कि सीबीएसई ने अपने 10th वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है और एनआईएस वाले बोर्ड के बच्चे रह गए हैं। उनके ना प्रमोशन से लेकर रिलेटेड कोई अभी न्यूज आई है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही उनकी डेटशीट को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। सो गाइस, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमारा ऐसा ही हुआ था कि सीबीएसई ने जैसे ही अपने बच्चों को प्रमोट किया था तो एनआईएस बोर्ड पर भी प्रेशर पड़ा और एनआईएस बोर्ड ने भी अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया था। इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि सीबीएसई ने 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया है बैठे बिठाए, तो हमारे एनआईएस बोर्ड के चांसेस भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं कि भी आप लोगों को भी प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन मिलेगा क्यों नहीं, भी मिलना भी चाहिए, आपको प्रमोशन जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोविड के इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस डेली इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, और इस सिचुएशन में बाहर जाकर एग्जाम देना, अपने घर से बाहर निकलना ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। सो गाइज, अभी मैंने कल भी वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिले जिससे मुझे थोड़ी आप लोगों की चिंता हो गई कि भाई इतना बताने के बावजूद भी आप ये मिस्टेक कैसे कर सकते हो। बात करेंगे उस टॉपिक की कि भाई आपके पोस्टपोन मतलब आप जो प्रमोट होने के थोड़े बहुत चांसेस दिखे हैं, थोड़ी एक उम्मीद जगी है कि भी आपको भी प्रमोशन मिल सकता है, वो चांसेस भी आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो। तो वो मिस्टेक क्या है ये बताने से पहले गाइज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस मैं देती रहती हूँ, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो मेरे चैनल पर ना केवल आपको अपडेट्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाती हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन, बस आपको हाँ लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके अगर आपको लगे कोई भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन और आपका फ्रेंड भी उससे कोई फायदा उठा सकता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि जो मुद्दा चल रहा है कि भी प्रमोट किया जाए बच्चों को, एनआईएस वाले स्टूडेंट्स को, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, ये मुद्दा तभी सार्थक है, तभी कामयाब है जब ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, तभी आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंचेगी, बड़े लेवल पर आपकी बात पहुंचेगी। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात कर लेती हूँ उस मुद्दे के बारे में कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। गाइस, आप जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी तो एग्जाम फीस ही सबमिट नहीं हुई है, या मुझसे लेट फीस लग रही है, तो लेट फीस बहुत ज्यादा है, मैं सबमिट नहीं कर पा रहा या कर पा रही। सो गाइस देखिए, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनआईएस ने जो पिछली बार आपको लास्ट डेट दी थी फीस सबमिशन की, वो 13th अप्रैल थी, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड करके अभी आपका 18th अप्रैल कर दिया गया है। सो ये सोने पे सुहागा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम फीस किसी वजह से सबमिट नहीं कर पाए थे। तो गाइज, मैंने आपको पिछली बार भी बोला इसी बात को कि अगर आपकी एग्जाम फीस सबमिट है और अगर आपके टीएमए सबमिट है, अगर आपकी एग्जाम फीस भरी हुई है तो ही आप एग्जाम भी तभी दे पाते। देखिए, अगर आपके एग्जाम होते या होंगे बाय चांस तो आप एग्जाम तभी दे पाओगे ना जब आपकी एग्जाम फीस सबमिट होगी। तो इसी तरीके से अगर आपकी एग्जाम फीस सबमिट होगी तो ही आप प्रमोट हो पाओगे, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको ना प्रमोट कर सकती है, ना आपको एग्जाम में बिठा सकती है, कुछ नहीं कर सकती विदाउट योर एग्जाम फीस। तो अभी मैं जिस दिन ये वीडियो बना रही हूं और आपके पास ये पहुंचेगी, 16th अप्रैल है, और अभी हमारे पास कल का दिन है, 15th और 16th आई थिंक, तो अभी हमारे पास कल या परसों का भी दिन है। तो जल्द से जल्दी आप अपनी जो है फीस सबमिट करिए जिस बच्चे की फीस सबमिट नहीं हुई है। क्योंकि गाइस, अगर आप देखिए, थोड़ी सी लेट फीस है मुझे पता है, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट जैसे तैसे जुगाड़ करके आप अपनी फीस सबमिट करिए, ताकि अगर आप प्रमोट भी होते हैं तो घर बैठे बिठाए आप प्रमोट हो जाएं, या फिर इनकेस आपके एग्जाम भी होते हैं तो आप एग्जाम में बैठ पाए। तो जिस बच्चे ने अपनी एग्जाम फीस सबमिट नहीं की है, अभी 1-2 दिन आपके पास है, प्लीज अपनी फीस सबमिट करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई आपके पेपर रह जाए या फिर आप प्रमोट होने से रह जाओ। दो ही शर्तें हैं आपके पास होने की या प्रमोट होने की, पहली है गाइस आपकी एग्जाम फीस, दूसरी है आपके टीएमए। एग्जाम फीस सबमिट करिए आपके पास जो 2 दिन बचा है, और अपने टीएमए जरूर सबमिट कर दीजिए। अगर आपके टीएमए अभी तक नहीं बनाए हैं तो मैंने दूसरे चैनल पर सारे के सारे टीएमए सॉल्व करके डाल रखे हैं, तो उन सारे टीएमए का लिंक और बाई स्टडी सर्कल जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिलीव मी, बहुत अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के वहां से टीएमए बनाने से, 20 में से 19, 20 में से 18 इस तरीके के नंबर भी बच्चों को मिले हैं। सो गाइस, टीएमए अपने बनाइए और अपनी एग्जाम फीस जरूर सबमिट करिए, जो भी 18 अप्रैल से पहले पहले आपके पास टाइम है, थोड़ी लेट फीस है, कहीं से भी जुगाड़ कर लो, मगर अपनी एग्जाम फीस जरूर सबमिट कर लो, ताकि अगर आप प्रमोट हो रहे हो तो आपका प्रमोशन ना रुके, या फिर आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आप अपने एग्जाम दे सको, जो भी सिचुएशन होगी। सो गाइस, जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स इस तरीके की आती है कि आप प्रमोट हो गए हो या फिर
आपकी कोई अनाउंसमेंट होती है इस तरीके से, तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। इसलिए आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी स्कूल वीडियोस में लाती रहती हूँ, वो सब मिलेगी इजी और बेहतर तरीके से, और आसान लैंग्वेज में आपको सारी की सारी चीजें समझा दूंगी। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सदस्य बन जाइए मेरे चैनल का। चलिए गाइस, वीडियो कैसी लगी है, क्या आपका फीडबैक है, अगर कोई अभी भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए। आपके कमेंट पढ़ के ही मैं फिर आपके लिए उसी टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो लाती हूँ। चलिए, आई होप जिन बच्चों को अभी तक मतलब सोए हुए हैं, जिनको नहीं अपनी फीस जिन्होंने सबमिट करी, आई होप इस वीडियो को देखने बाद अपनी फीस आप सबमिट कर देंगे। जल्द से जल्द 18 अप्रैल से पहले अपनी फीस सबमिट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, या आपके कहीं कोई और डाउट तो नहीं आपके दिमाग में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। See you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.